तो मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्रायस चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 16 संस्कार। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है 16 संस्कार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस में इसे दो जगह शामिल किया गया है, एक तो हिस्ट्री यानी जो प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 1 में पहला ही पॉइंट है ये, और दूसरा मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम में इसे सोशियोलॉजी यानी जो पेपर 2 का बी पार्ट है उसमें 16 संस्कार रखे गए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कार की। तो संस्कार क्या होता है? तो संस्कार व्यक्तित्व के विकास की एक प्रक्रिया है जिसे बहुत ही चरणबद्ध तरीके से संपादित किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर उसे समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जाता है। हमारे सूत्रकारों ने जो समाज के नियंता थे, जो समाज के नीति नियोजक थे, उन्होंने व्यक्तित्व के विकास को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया और उसे कुल 16 भागों में बांटा। हम सबकी सुविधा की दृष्टि से मैं इन 16 संस्कारों को कुल 5 भागों में वर्गीकृत करता हूँ, 5 भागों में बांट देता हूँ। पहला जो सेक्शन है वो व्यक्ति के जन्म से पहले के संस्कारों का सेक्शन है। पहला भाग व्यक्ति के जन्म लेने से पहले होने वाले संस्कार। इस भाग में कुल 3 संस्कार आते हैं, जिसमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार और तीसरा सीमांतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार हैं जो व्यक्ति के जन्म लेने से पहले के 3 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार में एक पति शुभ मुहूर्त देख करके अपनी पत्नी के गर्भ में बीजारोपण करता है जिससे कि एक उत्तम संतान की प्राप्ति की जा सके। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार है। यह संस्कार गर्भ धारण करने के 3रे या 4थे महीने में किया जाता है। यह संस्कार इस बात की एश्योरिटी होता है कि गर्भ सही सलामत विकसित हो रहा है, यानी बच्चा गर्भ में सही सलामत विकसित हो रहा है, अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है, अब किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। तो इस संस्कार के जरिए गर्भवती स्त्री का जो पति होता है वो अपनी पत्नी को इस बात का आश्वासन देता है कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मैं घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखने की कोशिश करूँगा, तथा तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक या मानसिक बोझ या तनाव नहीं आने दूंगा, जिससे खुशनुमा माहौल में गर्भ में बच्चे का विकास हो सके। इसके बाद 3रा संस्कार आता है, सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार को आजकल गोद भराई संस्कार भी कहा जाता है। ये गर्भ धारण करने के 6वें या 7वें माह में किया जाता है। इस संस्कार में जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं, गर्भवती स्त्री जिस परिवार से, उसके आस पड़ोस की महिलाएं, उसके रिश्तेदार महिलाएं सभी इकट्ठा होती हैं और सभी गर्भवती स्त्री के केस में यानी उसके बालों में इत्र वाला खुशबूदार तेल लगाती हैं और इसके बाद उसकी कंघी की जाती है। इस तरह से ये एक भावनात्मक सपोर्ट, एक जो सेंटिमेंटल, एक इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं। तो ये 3 संस्कार
गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, ये तीन संस्कार बच्चे के जन्म से पहले के संस्कार हैं। इसके बाद आते हैं आठ संस्कार। ये आठ संस्कार जो हैं वो बच्चे के जन्म लेने के बाद और उसके गुरुकुल में प्रवेश करने के बीच के समय में किए जाते हैं। इनमें सबसे पहला संस्कार है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार में बच्चे की जो नाल होती है, यानी वो नली जो माँ के गर्भ और बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है, वो नली काटी जाती है और इस तरह से माँ के गर्भ से बच्चे को अलग किया जाता है और ये संस्कार बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद किया जाता है। तो ये जात कर्म, जात मतलब भी होता है कि पैदा होना और कर्म, मतलब पैदा होते ही जो कर्म किया जाए वो जात कर्म संस्कार है। जात कर्म संस्कार के बाद दूसरा संस्कार होता है नामकरण संस्कार। ऑब्वियसली अब बच्चा जो है उसका कोई नाम रखना होगा, तो घर के बड़े बुजुर्ग और गुरु सभी मिलकर के बच्चे के लिए नाम का विचार करते हैं और एक श्रेष्ठ नाम, एक बेहतरीन नाम बच्चे के लिए सोचा जाता है। नामकरण संस्कार के बाद अगला संस्कार निष्क्रमण संस्कार होता है। निष्क्रमण संस्कार में पहली बार बच्चे को और उसकी माँ को घर से बाहर सूरज की रोशनी दिखाई जाती है और पूजा पाठ होता है। इस संस्कार को कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है सूरज पूजा के नाम से। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर यह संस्कार 12वें दिन होता है, इसलिए उसे बरही संस्कार के नाम से भी जानते हैं। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो 6 माह के अवसर पर एक संस्कार किया जाता है जिसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। 6 माह तक तो बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाता है, यानी 6 माह तक बच्चा सिर्फ फीडिंग करता है, वो बाहर का कुछ भी अन्न या जल ग्रहण नहीं करता है, सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। लेकिन इसके बाद उसे दूध और चावल की बनी हुई खीर खिलाई जाती है, जिसे अन्नप्राशन संस्कार के नाम से जानते हैं। इसके बाद चूड़ाकरण संस्कार होता है। किन्हीं परिवारों में ये 3 साल में होता है, किन्हीं परिवारों में 5 साल में होता है। इस चूड़ाकरण संस्कार में पहली बार बच्चे के जो सिर के बाल होते हैं वो उतारे जाते हैं, यानी उसे उसका मुंडन किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि बच्चे के बाल पूरी तरह से एक बार जो जन्म के बाल हैं वो छिलवा देने से जो हेयर ग्रोथ अच्छी होती है और बालों में मजबूती आती है। तो चूड़ाकरण के बाद फिर कर्णभेदन संस्कार होता है। कर्णभेदन संस्कार का कोई उम्र फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा है कि 10 साल तक का बच्चे की जब उम्र 10 साल तक की हो तब तक ये संस्कार संपन्न कर दिया जाना चाहिए या तब तक ये संस्कार हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चे का ये जो हिस्सा होता है कान के नीचे का, ये सॉफ्ट होता है और बड़ी आसानी से इसमें छेद कर लिया जा सकता है। तो लड़कियों के दोनों कान छेदे जाते हैं और लड़कों का सिर्फ एक कान छेदने की परंपरा है। कर्णभेदन संस्कार के बाद फिर अगला संस्कार जो होता है विद्यारम्भ संस्कार होता है। ये संस्कार जब बच्चा 3 साल का या 4 साल का होता है तब किया जाता है और इस संस्कार के बाद से ही माँ सरस्वती की पूजा करने के पश्चात बच्चे को घर में ही इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा उसकी माँ के द्वारा दी जाती है। बच्चे को अच्छी हैबिट सिखाई जाती है, बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, बच्चे को अपने धर्म के बारे में धीरे धीरे बताना, धार्मिक कथा कहानियाँ ये सब सुनाना शुरू किया जाता है। विद्यारम्भ संस्कार के बाद अगला संस्कार उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार वो संस्कार होता है, इसमें बच्चे को 3 धागों का बना हुआ एक जनेऊ पहनाया जाता है, इसे जनेऊ संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इस संस्कार के बाद बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता है और अगले 25 वर्षों तक वह अपने गुरु के सानिध्य में रह करके शस्त्र शास्त्र व्यापार समाज ज्योतिष गणित इन सब की शिक्षा व्यवस्थित तरीके से ग्रहण। इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी है यानी थर्ड जो
डिवीजन है, थर्ड डिवीजन में कुल तीन संस्कार आते हैं। ये जो तीन संस्कार, अगले तीन संस्कार हैं, ये तीन संस्कार गुरुकुल में संपादित किए जाते हैं। बच्चा जब गुरुकुल में पहुंचता है तो गुरुकुल में पहुंचने के लगभग एक साल तक उसे भाषा का ज्ञान, उसे लेखन शैली का ज्ञान, उसे व्याकरण का ज्ञान, उसे वेदांगों का ज्ञान कराया जाता है। और तत्पश्चात जब वह इन सब में निपुण हो जाता है, तत्पश्चात उसका वेद आरंभ, यानी उसे जो वेदों का अध्ययन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन वेदों का अध्ययन आरंभ कराया जाता है। तो इस संस्कार को वेदारंभ संस्कार के नाम से जानते हैं। अब ऐसा करते करते बच्चा लगभग 17-18 साल का हो जाता, तब उसके दाढ़ी और मूछ आ जाती है। दाढ़ी मूछ साफ करने का संस्कार केशांत संस्कार कहलाते हैं। और लास्ट संस्कार समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार के माध्यम से जो बच्चा है वो अपने गुरु को उचित दक्षिणा दे करके और गुरु से गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति प्राप्त करता है। इसके बाद वह अपने घर चला आता है। और जब वह घर आ जाता है, अपने माँ बाप के पास आ जाता है, तो कुछ ही समय में उसके माता पिता उसके लिए एक योग्य वधु, एक योग्य कन्या की तलाश कर उसके साथ रिश्ता फिक्स कर देते हैं। और फिर आता है 15वां संस्कार, जिसे हम विवाह संस्कार के नाम से जानते हैं। विवाह संस्कार के साथ ही व्यक्ति जो सबसे इम्पॉर्टेंट आश्रम है हमारे चार आश्रमों में, जैसे चार आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, इन चारों आश्रमों में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है। तो विवाह संस्कार के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और सबसे अंतिम संस्कार को अंतिम संस्कार के नाम से ही जाना जाता है। और यह संस्कार व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है। तो ये एक लंबा समय तक चलने वाला संस्कार है, यानी ये संस्कार केवल व्यक्ति को अग्निदाह देने तक ही सीमित नहीं है। अग्निदाह देने के बाद 10 दिन तक जो है वो दसवीं होती है, इसके बाद 13 दिन पर 13वीं होती है, और इसके बाद हर साल पितृपक्ष में जो मृतक व्यक्ति है उसको उसकी पितृ की शांति के लिए 15 दिन का जो पितृपक्ष होता है उसमें श्राद्ध किया जाता है। और इसके बाद एक उचित समय देख करके बिहार के गया में स्थित गया जी में पिंड दान किया जाता है, और पिंड दान करने के साथ ही ये अंतिम संस्कार समाप्त होता है। तो इस तरह ये पूरी स्टोरी 16 संस्कारों की है। एक और महत्वपूर्ण बात अगर आप गौर कर पा रहे हो तो इसमें ये है कि जो ये 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार में 15 संस्कार 25-26 साल की उम्र में कर लिए जाते हैं। इसके बाद फिर एक ही संस्कार बचता है, वो अंतिम संस्कार, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास 25-26 साल तक कंप्लीट मान लिया जाता है, यानी उसके विवाह तक उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास हुआ मान लिया जाता है। इस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके परीक्षा के हिसाब से भी अत्यंत उपयोगी है। आज इस टॉपिक को या इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।